साथियों नमस्कार। इस दिनों में नाम हिंदुस्तान का नाम बदलकर अब इंडिया को नाम देकर भारत रखा जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार हमलावर बोल रहा है बीजेपी सरकार पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भाजपा मोदी सरकार डर चुकी है। तो इसको लेकर इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं से जानेंगे क्या अब इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा तो क्या हो रहा है, दिक्कतें क्या होगी, परेशानी, अपनी महिलाओं से जानेंगे इनकी क्या है राय। हमारे साथ सुनीता सोनी जी हैं, आपकी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता सोनी जी, देखा जाए तो अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है मोदी सरकार। लगातार वो अपने नामों को बदलने में चर्चाएं में रही है, इस बार फिर अब देश का नाम बदलकर भारत रखा जाए, क्या है लाया। देखिए, पहले तो हमारे मोदी जी अगर जो चीज़ें सोच रहे हैं या फिर जो चीज़ कर रहे हैं वो तो सबके हित में होता है। ये लोगों को जब चीज़ें हो जाती है उसके बाद में पता चलती है। अभी काफ़ी स्टेशनों के नाम जो गलत तरीके से रखा गया था उसको उन्होंने सही करके आज ये हम लोगों को बताया कि ये हमारे हिंदुत्व में, ये हमारे कल्चर में आता है। अगर हम पहले से ही उनको जज करने लगेंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों की अपनी अपनी सोच है और सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन करना उनको है। अगर वो कोई चीज़ें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम लोगों का अच्छा सोच के ही कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से अब क्यों दिक्कत है? 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आया तो क्या कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन जो हुआ है उससे मोदी सरकार डर रही है? नहीं, डरने की तो बात यहाँ पे तो है ही नहीं है। मोदी सरकार अगर डर गई होती तो अभी तक तो वो रहती नहीं, तब का वो पीछे हो गई होती। और मोदी सरकार की आप बात कर रहे हो तो मेरा मानना ये है कि इंडिया को अगर भारत रखा गया है तो ये तो हमारे हिंदुत्व में आता है। भारत हमारा हिंदू नाम से जोड़ा जा रहा है तो अच्छी बात है। और इंडिया और भारत में अंतर क्या है ये बताइए। और भारत को कहीं जोड़ दिया गया तो इससे मोदी जी क्यों घबराएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। वो तो अपना काम अपने ही गति से कर रहे हैं, घबराना तो उनको चाहिए जिन्होंने गठबंधन किया है गलत तरीकों से। लेकिन विपक्ष कहती है जैसे चुनाव आता है तो मोदी सरकार महंगाई से बात नहीं करती है, विकास में बात नहीं करती, लेकिन गुमराह करती है जनता को। अब जिस तरीके से देखा जाए नाम बदलने की सिलसिला फिर से तेज हो चुका है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव की बात की जाए तो जितना मोदी सरकार ने अभी तक किया है आप उठा के देख लीजिए, सब्सिडी से लेके राशन से लेके लॉकडाउन उठा लीजिए, जितना राशन सभी लोगों को मिला है, जितनी चीज़ें हिंदू हो या मुसलमान हो चाहे अदर कोई भी कास्ट हो, उन्होंने सबके लिए इक्वल किया है, कोई जात पात का उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। तो इसके लिए तो मुझे ये नहीं लगता कि उनका ये मुद्दा है कि वो चुनाव आ रहा है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जनता गलत दिशा में जाए, ऐसा मेरा मानना तो नहीं है। तो क्या लगता है नाम बदलने के बाद से भारत का विकास क्यों होगा? देखिए, नाम अभी उन्होंने औपचारिक तरीके से रखा है, अभी कोई चीज़ें लागू नहीं की है। अभी चीज़ें जब आएगी सामने, उस चीज़ों को जब फेस करेगा इंसान, और मुझे मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा होने के नाते मैं यही कहूँगी कि उनका ये काम बहुत ही सराहनीय है और हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे इनकी भी क्या राय है। जी, अपना नाम? मेरा नाम मीनाक्षी गौड़। मीनाक्षी जी, देखा जाए तो अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है मोदी सरकार, जो अपने नाम बदलने की शिक्षा से बहुत तेजी से चली थी, लेकिन अब देखा जाए तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो ये सोने की चिड़िया थी, उसके बाद जाके इसे भारत रखा गया। जब अंग्रेज आए हैं तब उन लोगों ने इंडिया रखा है इसको। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तो ये औपचारिक चल रहा है और अभी ये लागू नहीं हुआ है, कागज पे कोई उस पर स्टैंप नहीं लगा है, तो ये है कि अब जो भारत रखा जा रहा है तो इससे तो विपक्षी लोगों को कुछ वो मतलब डरना आना नहीं चाहिए, या तो उन्होंने कोई गलत काम किया इस वजह से वो लोग डर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखा जाए तो जो पहले जो G20 के मेहमान आ रहे हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया, लेकिन इस बार अब भारत लिख कर भेजा गया, तो क्या तो ये बात तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये नाम बदलने का सरकार पूरी तरीके से सोच रही है। अब आने वाला 2000 लोकसभा का चुनाव है, इसको देखकर कहीं ना कहीं मोदी जो है वो डर चुके हैं गठबंधन को लेकर। नहीं, हम नहीं मानते कि मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी डराने वाले हैं, डरने वाले नहीं है। नहीं, विपक्ष लगातार कह रही है कि मोदी सरकार महंगाई पे बात नहीं करती है, गरीबों पे बात नहीं करती है, लेकिन नाम बदलने को लेकर काफी चर्चाओं में रही है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है।
ये गलत है, इसलिए कि अगर मोदी जी को ये बोला जाए कि वो नाम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये हमारे भारत को सबसे बड़ा सराहनीय कार्य होना चाहिए अपने प्रेसिडेंट का, कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गलत तरीकों से, अभी मड़ुआडीह स्टेशन ले लीजिए, काफ़ी ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे स्टेशन है, ऐसी ऐसी जगह है जिनका नाम गलत था, उन्होंने क्या सही नाम रख के बनारस स्टेशन किया है, काशी किया है, तो क्या उन्होंने गलत किया है? आज हमारे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी जोरों शोरों से हमारे हिंदुत्व पे चीज़ें हो रही हैं, और मेरा मानना ये नहीं है कि मोदी जी अगर कोई चीज़ें कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ये सामने वाले की सोच है कि वो उनको गलत हमेशा से ठहराया गया है, क्योंकि वो अगर अच्छा भी कर रहे हैं तो ये कहा गया है कि उसमें मोदी जी का कोई अच्छा कोई हित छुपा होगा, कोई फ़ायदा होगा, तब उनको कहा जा रहा है कि वो ये काम किए हैं। अरे कभी ये भी सोचो कि हमारा फ़ायदा है तब उन्होंने ये काम किया है, ये जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है इस बार जब नाम बदलेगा तो क्या कैसा क्या होगा मैम? माहौल यही होगा कि पहले बात तो विपक्षी जितने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हर चीज़ों में, उनकी मनोबल अच्छी खासी टूटेगी, क्योंकि विपक्षी हमेशा गलत कार्यों में आगे बढ़ते हैं, सही कार्यों में नहीं बढ़ते हैं। आप 2014 से पहले देख लीजिए और 2014 के बाद देख लीजिए कि आज हमारे देश की क्या हालत है, कहाँ बिजली की सुविधा देख लीजिए, महिलाओं की सुविधा देख लीजिए, आज 12 बजे 1 बजे महिलाएं बेखौफ बाहर घूमती हैं और देर देर 2-2 बजे घर अपने आती हैं, लेकिन सुरक्षित रहती हैं। तो ये आज क्या 2014 से पहले ये था, बलात्कार होते थे, महिलाओं की चैन छीना जाती थी, कहाँ कहाँ क्या क्या होता था, अभी शायद बोलने पे आऊँ तो ये समय छोटा पड़ जाएगा। बस इतना ही कहूँगी कि हमारे मोदी राज में महिलाएं भी सुरक्षित हैं और हम सभी लोगों को हर सुविधा भी मिल रही है। क्या मैडम मणिपुर की घटना भूल गई? मणिपुर की खुले आम लड़की को हमस्त कर तमाम गोली चला दिया, क्या ऐसी घटना भूल गया? मैं ऐसी घटना को भूली नहीं हूँ, ये आप कह रहे हैं कि ऐसी घटना को मैं भूल गई। ये बताइए कि मोदी जी सरकार चला रहे हैं, वो सबके घर घर नहीं जा रहे हैं, और जो घटना हुई है क्या उसमें मोदी जी का कहीं दोष है? आप मुझे ये बता दीजिए। देखा जाए तो घटना स्थल पे राहुल गांधी पहुंचे लेकिन मोदी जी नहीं पहुंचे। राहुल गांधी फोटो खिंचाने पहुंचे थे ना, उनको वायरल करना था कि मैं वहां पे पहुंचा हूं, और मोदी जी ये काम नहीं करते हैं, वो अपना काम ऐसे साइलेंट तरीके से करते हैं कि काम को अंजाम भी दिया जाए और सामने वाले का काम भी हो, और वो नाम नहीं चाहते, उनका नाम है काफी, उनको नाम की जरूरत नहीं है राहुल गांधी की तरह। विपक्ष कहती है कि ये केवल सजावटी सरकार है, चमकौवा धमकौवा सरकार, जहाँ मोदी जाते तो वहाँ बैंड झालर बत्ती लग जाती है, चाइना वाली लाइट लग जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मोदी का काम वहाँ खत्म होता है उनका प्रोग्राम, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं उनको पहले बनारस आइए और घुमा के जाइए, और मोदी जी रहे चाहे ना रहे हमारा बनारस ऐसे ही चमकता रहता है, और ये मोदी जी की ही देन है जो इतनी चमक रही है बनारस। उन लोगों के राज में क्यों नहीं बनारस चमक गया? गलियों में कचरा फेंकाता था, गायें गोबर करती थी, तमाम तरीके की गंदगी होती थी, आज क्यों नहीं है? आज हमारे चौराहे हमारी गलियां क्यों चमक रही हैं? मोदी जी की ही देन है ना। क्या मोदी जी रोज आते हैं क्या? वो महीने में आते होंगे, 2 बार आते होंगे महीने में, लेकिन उनके आने और जाने से गलियां चमकती नहीं है और पेंट होते नहीं है। उनके जो उन्होंने आदेशित किया हुआ है अपने बनारस को G20 के माध्यम से सुंदर काशी बनाने का, वो सुंदर काशी जब से वो आए हैं तब से अभी तक है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी जानेंगे क्या है उनकी राय इंडिया और भारत को लेकर। मैडम इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है सरकार, क्या राय है आपकी? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सेठ है, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की महामंत्री हूँ। क्या राय है आपका इंडिया का नाम बदलकर भारत? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया और मोदी जी भारत अगर नाम रख रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसमें लोगों को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमें नहीं लगता है कि भारत और इंडिया में कोई अंतर है। नहीं देखा जाए तो क्यों अंतर नहीं है? अब इंडिया का नाम बदलकर कहीं ना कहीं क्यों, 2024 का लोकसभा चुनाव आया तभी इंडिया का नाम बदला गया, इसके पहले क्यों नहीं बदला गया? गठबंधन है इंडिया का, इसे मोदी सरकार डर रही है। देखिए जिस तरीके से हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रहा है। मैडम क्या राय है आप लोगों की इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रहा है? मेरा मानना ये है कि ये सब जो बोला जा रहा है कि इंडिया को भारत कर दिया, ये सब एक
जो काम अच्छा करता है उसी को पैर पकड़ के खींचा जाता है, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ में लोग उनका पैर पकड़ के खींचा जाए, लेकिन मोदी जी को कोई खींच नहीं सकता। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार। और मोदी जी के उसमें लेडीज सारी एकदम सुरक्षित है, और मोदी जी को तो हम एक तरह का एक क्या बताएं कि जैसे उन्होंने अयोध्या को अयोध्या बना दी, कभी आज तक नहीं था कि वो अयोध्या बन जाएगी। मोदी जी को हम इतना मानते हैं, मोदी जी कभी डरने वाले नहीं है। अगर मोदी जी ने भारत का नाम रखा है तो ये बहुत अच्छा करा है, क्योंकि ये हिंदी शुद्ध हिंदी कहलाती है। ये इंडिया इंडिया तो ये तो उसका अंग्रेजों का था, ये हमारी कल्चर है, हमारी हिंदी शुद्ध है। तो अगर उन्होंने इसको भारत रखा है तो बहुत अच्छा रखा है। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसको देखकर गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार घबरा रही है कि इंडिया वालों से या इंडिया से? मोदी जी घबराने वाले नहीं है, ये सब एक अफवाह है। मोदी जी ने घबराए ना घबराएंगे, और मोदी जी है और रहेंगे। घबराना तो उनको चाहिए ना, जिन्होंने ये बातें ये मुद्दे उठाए हैं। अगर उनको ये सोच में आ गया है कि वो नाम बदलने पे आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उन्हीं का नाम वो बदल के रख दे, इसीलिए उनके अंदर पहले से घबराहट होनी चालू हो गई है। तो सोचने की बारी उनकी है, और 2014 से मोदी जी थे, हैं और आगे भी वो रहेंगे, क्योंकि वो अपने काम से जाने जाते हैं, नाम और फोटो खिंचाने से वो नहीं जाने जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को उनका एक सहारा बनना चाहिए, उनको एक मजबूती देनी चाहिए। हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये करिए वो करिए, ये उनका काम है। देखिए, हम उनके काम में उनको जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ये कर सकते हैं कि हम सभी लोग एकत्रित होकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में वो और भी अच्छा काम करें। देखा जाए तो गांव और मोहल्लों की नाम बदलने के बाद मुगल सराय का भी नाम पंडित ने बदल रखा है, लेकिन उसको कितने लोग जानते हैं? लेकिन लगातार ताने संभावना रहता है, कितने लोग जानते हैं? 2% लोग भी नहीं जानते। चलिए, कांग्रेस का ये कहना कि 2% लोग नहीं जानते हैं, तो कांग्रेस राज में उनको कितने परसेंट लोग जानते थे, या फिर हमारे शहर की गलियों को, हमारे बाहर कितने गांव हैं, कितने जिले, वहाँ का उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी की हैं कि हमारे देशवासी और काशीवासी लोग जाने कि वो नाम बदला गया है, या कौन सी चीज़ें क्या ऐसी की गई है कि हमारे कांग्रेस राज्य की सरकार की प्रशंसा की जाए। 2024 से पहले लोकसभा चुनाव है, और उसको क्यों अभी क्यों नाम बदला गया? 2024 के बाद भी बदला जा सकता है, 2019 के बाद भी चुनाव आते ही क्यों नाम बदला गया? फिर मैं कह रही हूँ, अभी नाम बदला नहीं गया, अभी उन्होंने एक औपचारिक तरीके से बयां किया है। अभी जब तक वो नाम आएगा, कागज पे स्टैंप लगेगा कि हाँ इंडिया को भारत रखा गया, तब ये चीजें बोल सकते हैं कि मोदी जी ने चुनाव से पहले ऐसा काम क्यों किया। अभी उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी है सबके सामने कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। अभी आप ये सोचिए कि उन्होंने अपनी सोच बयां की है तब इतनी हलचल है, जब उन्हों वो अपना कार्य करेंगे और इंडिया को भारत नाम देते हुए बढ़ चढ़ कर उसको और आगे लेके जाएंगे, तब सामने और विपक्षी वाले के ऊपर क्या बीतेगी। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए महंगाई पर बात न करने को लेकर, शिक्षा पर बात करने को न लेकर, ये नाम बदलने को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, ये गलत है। शिक्षा दी जा रही है, कहाँ कौन ये नहीं बोल रहा है 15% फीस में सभी लोगों को, सभी जितने पेरेंट्स हैं उन लोगों को छूट मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार जो चीज़ें लागू कर रही है वो हम सभी लोगों को उस चीज़ों को भी लागू करना पड़ेगा। हमारे लिए वो क्या क्या थीम निकाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी निकाले हैं, ये हम लोगों को भी पता चलनी होती है, तब हम लोग जाके ये करते हैं कि नहीं, हमारी सरकार ये चीज़ें हमारे लिए की है। तो वो इतनी चीज़ें किए हैं कि लोग इस समय खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्या क्या की है। अभी जोड़ने पे आ जाएंगे तो शिक्षा के लिए किया है, मकान जिसकी ज़मीन है उसको 2.5 लाख रुपये मिल रही है कि वो अपना ज़मीन पैसा लेके 2.5 लाख रुपए अपना बना सके, एक घर वो रह सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और शिक्षा की बात की जाए या फिर महंगाई की बात की जाए, सिलेंडर पे 200 रुपए कम किया है, 400 रुपए मिला था कांग्रेस की सरकार में, आपकी सरकार में 1100 रुपए, 200 रुपए में क्या होगा? आपने सही कहा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आप उनके समय 400 रुपए मिल रही थी, तो 400 लायक वो काम भी था, ये भी तो जानिए, क्योंकि उनका काम क्या था,
फोटो खिंचवाना, दुनिया को ठगना, अपना जेब भरना और सामने वाले को 400 रुपए में, कौन सी चीजें हमारे सरकार में इस समय के मुकाबले उस समय उन्होंने किया क्या है ये बता दीजिए आप। अगर तुलना बात करेंगे तो 2014 से अभी तक का और उसके पहले का आप उठा के देखिए तो थोड़ी सी महंगाई बनती है, क्योंकि सरकार सब अपनी जेब से नहीं लगाएगा, अब जनता से GST जो हम लोग भरते हैं उसी से हमारी पूरी काशीवासियों की दुकानें हो या फिर आपकी लाइट है, बिजली है, बत्ती है, सड़कों पे जितनी भी सुविधा है वो सरकार कैसे देगी। जब तक कुछ चीज़ें महंगी नहीं करेगी तो अपने जेब से तो नहीं भरेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कहते हैं कि मोदी सरकार तेल से लेकर साबुन से लेकर खाने वाले चावल दाल पर भी GST टैक्स लगा दिया है, इसके पहले तो क्या कहीं ना कहीं जनता महंगाई की तरफ जा रही है? महंगाई की तरफ तो जा रही है, ये चीज़ें देखिए मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ये मैं मानती हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई भी है, ये भी सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा भी है। अगर हम 2 रुपये महंगा कोई चीज़ खा रहे हैं तो 1 रुपये कहीं ना कहीं हमारा वो बच भी रहा है, ये अगर इंसान सोचेगा। क्योंकि देखिए आप बात कर रहे हैं महंगाई की, मैं बार बार कह रही हूँ महंगाई क्यों है इस समय, महंगाई इस समय इसलिए है क्योंकि इतनी पर्सनैलिटी मिल रही है इसलिए महंगाई है। खाने वाली चीज पे केजरीवाल को आप बोल रहे हैं, पहले केजरीवाल खुद को देख लें कि वो क्या कर रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में बैठ के उन्होंने क्या क्या किया है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं ना, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। अभी मोदी जी कह दें कि जनता को फुल राशन फ्री है, ठीक है बोल, अगर वो टीवी पे लाइव चल गया तब तो लोग ये कहेंगे मोदी बोला है तो देना है उसको, केजरीवाल बोला है तो क्या वो दे रहा है, ये पहले देखिए। तो क्या लगता है जब इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा क्या? हमारा राय ये है कि हमारे हिंदुत्व को लेके ये बहुत अच्छी उनकी सोच है और पहल है और ये होना चाहिए, हम सभी लोग साथ हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आकर्षित हो रही है बीजेपी सरकार? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आकर्षित नहीं हो रही है। हमारे मुस्लिम नहीं रहते हैं, मुस्लिम का भी नाम नहीं होना चाहिए? मुस्लिम का नाम जरूर होना चाहिए, मुस्लिम कहाँ पीछे है ये बताइए। तो आप कह रही हैं अब इंडिया का नाम भारत रखकर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है सरकार, तो हर जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय देख लीजिए, तमाम ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिमों के नाम से उनको बदल के हिंदुत्व की तरफ नाम रखा जा रहा है। यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो भी इंडिया के ही है, वो भी हमारे भारत के ही है, वो आपके पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इंडिया में अगर वो रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की ही गीत गाएंगे, हर मुसलमान के दिल में मन में हमारे भारत माता के लिए इज्जत है और रहेगी। और हर आजकल आज समझ लीजिए कि हम, मुझे लगता है कि 100 में से 60% मुसलमान भारत माता की जय और राम नाम का नाम लेते हैं। बहुत कुछ ऐसे मुसलमान होंगे जो कट्टर होंगे, उनके लिए मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि अगर शायद अगर हमारे हिंदू और मुसलमान की बात होगी तो काफ़ी बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या लगता है भारत होगा तो आने वाले 2000 लोकसभा के चुनाव में उनको दिक्कतें होंगी, जो वोट में दिक्कत होगा भाषा होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, किस चीज़ के लिए दिक्कत होगा? नाम बदलने को लेकर, नाम बदलने को लेके फिर अगर हमारा नाम हमारे क्या कहते हैं भारत शुरू से सोने की चिड़िया कही जा रही है तो हमारे ये तो आज़ादी, हमारा हिंदू, अगर भारत हिंदी नाम है और इंडिया इंग्लिश नाम है, इंडिया को अगर हम भारत लिखेंगे तो क्या कौन सी उसमें गलत है? कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारे कुछ और महिलाएं इसे भी जानेंगे, क्या क्या रहा है क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तो उन्होंने नाम बोला है कि भारत रखने का विचार है, अभी हुआ नहीं। बदल दिया जाएगा तो क्या रहा होगा, क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। हमारे साथ और महिलाएं उनसे मिला रही, क्या इंडिया नाम बदल के भारत रखा जाएगा तो क्या है, कैसी होगी? बहुत अच्छा है हम लोग के लिए तो, और अच्छी बात है हम लोग को इसमें तो, हमें नहीं लगता है कि भारत होने से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमारे साथ और महिलाएं, इंडिया का नाम बदल के भारत रखने जा रहा क्या राय है?
हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर भारत नाम रखा जाता है तो हमारे लड़ाई जाए और मोदी जी ने जो सोचा है वो अच्छे के लिए सोचा वो अच्छा ही सोचे इसका अच्छा ही रिजल्ट। आप सभी को हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महिलाएं थी काशी से, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विचार किए हैं वो सही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है और इसको देखकर नाम में कोई फर्क नहीं है। इंडिया और गठबंधन, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर थी, वो कहीं ना कहीं अब जो ये महिलाएं हैं वो खुली चुनौती देती हैं, इसका कोई असर नहीं है। इंडिया घबरा चुकी है मोदी से। वाराणसी से बीपीएन न्यूज के लिए विशाल कुमार।